नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में। आज हम ट्रेन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, ठीक है, क्योंकि दो वीडियो अभी तक हम डाल चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और इस पर भी हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिससे कोई भी टाइप छूटेगा नहीं और बारी बारी से लगभग 1-2 वीडियो और लाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा लंबा चैप्टर है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकेंड अधिक लगता है। रेलगाड़ी का चाल क्या है? इसमें हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी का चाल क्या और इसमें जो प्लेटफॉर्म पार करता है वो रेलगाड़ी की लंबाई का दुगुना है और उसको पार करने में 40 सेकेंड अधिक लगता है खंभे के तुलना में, ठीक है। बेसिकली हमसे यही पूछा गया। आइए बिना देर देखिए, चूंकि आपको हम शुरुआती के वीडियो में बता दिए थे कि खंभे की लंबाई हो या पोल की लंबाई हो, जो लंबा खड़ा होता है या कोई आदमी खड़ा हो उसका डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस नहीं मान के चलते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो ट्रेन पार करेगा ट्रेन की खुद का लंबाई तो होगा ही होगा ना भाई। तो आइए देखते हैं, इसका खुद का लंबाई 240 मीटर है, 240 मीटर हो, पार करने में कितना समय लगता है वो पता नहीं है हमको, क्योंकि वही हमको रियल टाइम हमको पता नहीं, इसलिए हम स्पीड उसका नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि बेसिकली हमसे जो पूछा गया है कि रेल का चाल ही पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहता है और आगे कह रहा है कि रेल का लंबाई का दुगुना जो लंबाई है प्लेटफॉर्म का है, तो ये 240 मीटर है तो दुगुना हो जाएगा 480 मीटर, 480 मीटर, 480 मीटर प्लस ये तो हमारा हो गया प्लेटफॉर्म का लंबाई, लेकिन रेल का खुद का लंबाई भी तो होगा ना, तो खुद का लंबाई कितना है इसमें 240 है, तो 240 कर दीजिए बाय एक्स, ये टाइम हो गया और इसमें अधिक कितना अधिक लगता है तो 40 सेकेंड अधिक लगता है। इसमें हमको मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में है ये सेकेंड में है, तो हमको ज्यादा कुछ चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है, 240 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो में जीरो, अचार 12 के दो, हाथ में एक, एक का दो तीन, अचार तीन सात, 720 बाई एक्स प्लस 40 हो गया। अब वो देख लीजिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 24 + 72 होता है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 24 + 72 होता है, तीन बार तब कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3x हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 40 हो गया, ठीक है। ई एक्स को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा, बट 2x बराबर 40 हो गया, एक्स इसको काटेंगे तो 20 दूना कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 20 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसको। अब हमसे पूछा गया है कि इसका चाल क्या है, ये जो निकल के आ गया ये टाइम निकल के, ये 20 सेकंड इसका रियल टाइम निकल के आ गया। अब हमसे पूछा गया था स्पीड निकालना, चूंकि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसका डिस्टेंस खुद का डिस्टेंस है 240 बाय 240 हो गया, ये निकल के आ गया 20 ऐसा कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट देंगे 12 × 24 होता है 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन था, आप चाहते हैं स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ गए होंगे, दो रेलगाड़ी है ए और बी है, दोनों एक साथ प्रारंभ होता है, एक ही बिंदु से प्रारंभ होता है और एक ही दिशा में जाता है, और जो कि एक जो कि दोनों का स्पीड अलग अलग है, एक का स्पीड है 60, मतलब ए का 60 है और बी का 72 है। स्पीड देखने से पता चलता होगा कि जो बी का स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा तेज चलेगा, ज़्यादा तेज चलने के कारण वो ए को कभी ना कभी पीछा करके वो बी से ए से आगे निकल जाएगा बी, क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि बी जो है ए को कितने समय में पार कर जाएगा, ठीक है, यही हमसे पूछा गया। और आप लोगों को एक बात और पता होना चाहिए कि चाल जो होता है, जो एक साइड में दोनों एक साइड जाएगा, जो एक ही दिशा होगा, दिशा अगर समान होगा तो चाल घट जाएगा, जब दिशा विपरीत होगा, एक इधर से जा रहा है एक इधर से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका स्पीड जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक ही दिशा में और एक ही बिंदु से और एक ही साइड जा रहा है, तो इसमें चाल उसका घट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। आइए देखते हैं,
इसमें चूंकि पूछा गया है टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसका डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना है, दो रेलगाड़ी ए बी इतना चलता है 240 मीटर, क्योंकि 240 मीटर प्रत्येक की लंबाई है, मतलब दोनों का लंबाई 240 मीटर है। तो दोनों का लंबाई अगर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का जुड़ेगा, तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है 480 हो जाएगा। अब जो इसका स्पीड होगा, आप लोगों ने अभी जस्ट बताया कि सेम दिशा में होगा तो स्पीड घट जाएगा, एक का 72 है और एक का 60 है, दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो हमको चेंज कर देंगे, एक में बदल देंगे, जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 ऊपर कर दीजिए क्योंकि नीचे कट नहीं रहा है पूरा पूरा पूरा, ठीक है। अब काट दीजिए, 12 * 48 होता है, ये जीरो यहाँ चलाएगा, 5 से काटेंगे 5 * 8 = 40 होता है, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा, 18 * 8 = 144 होता है, 144। ये जो निकला 144 सेकेंड निकला, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में हमने बदल दिया था, ये 144 सेकेंड आ गया। लेकिन इसका आंसर मीटर मिनट में है, ठीक है। आप लोग इसको अगर मिनट में पूछेगा तो क्या करना है, जैसे एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 * 120 होता है, 120 को अगर घट जाएगा तो ये बचाएगा 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट 24 सेकेंड, 2 मिनट और 24 सेकेंड ये हमारा रियल टाइम हुआ, जो इतना सेकेंड उसको पार करने में, बी को ए को पार करने में 2 मिनट 24 सेकेंड का टाइम लेगा, ठीक। चूंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था और बेसिकली क्वेश्चन विशेष जान होता नहीं है, बस तो क्वेश्चन समझ के बन जाता है, यही हमसे पूछा गया। चूंकि एक दिशा में जाएगा तो घट जाएगा और विपरीत दिशा में होगा तो ये जुड़ जाएगा, ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, चूंकि रेल का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा जुड़ेगा, रेल का डिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं होता, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ये था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आ रही 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। इसमें पिछला वाला जो हम क्वेश्चन देखे थे, इससे पहला क्वेश्चन, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि एक ही दिशा में जा रहा है, और इसमें ये जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विपरीत दिशा में, मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है, और दोनों का स्पीड दिया गया था, हम जो कि उसमें बता दिया था आपको कि जब दोनों विपरीत दिशा में होगा, एक जा रहा है एक आ रहा है, ऐसी कंडीशन में दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि एक दिशा में जाएगा समान दिशा में जाएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, बस इसी बात को हमको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, इसका निकालने के लिए हमको कह रहा है कि कितने समय में पार कर जाएगी, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर फॉर्मूला था डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसका डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, इसका इसका खुद का डिस्टेंस 240 है, इसका डिस्टेंस 270 है, 240 प्लस 270 को जोड़ देंगे बाई, अब देखिए इसका स्पीड है 60 किलोमीटर है और ये है 48 है, ये चूंकि इसमें हम बताए थे कि जुड़ जाएगा, इसको देखिए 60 + 48 ये जुड़ जाएगा, इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 0 0 0 4 4 11 के एक हम एक दो तीन तीन दो पाँच 510 मीटर हो जाएगा, और ये 60 को 48 को जोड़ेंगे तो ये 108 हो जाएगा, 108 क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। आइए हम यहाँ पर बना देते हैं इसको, 510 हो गया, 510 मीटर में, और ये जो 108 है ये किलोमीटर में। अब किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से करते हैं, 18 * 6 = 108 होता है, 5 से कटे इसको तो 5 से कटेंगे तो 5 * 1 = 5 और 5 * 2 = 10 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 6 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 * 1 = 6 और 10 में अगर 6 घट जाएगा तो 4 बजेगा 4 * 2 = 42 होता है, 6 * 7 = 42 इस हिसाब से 17 सेकेंड ये हमारा आंसर निकल के आ गया, बस क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही कह रहा था हम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें एक ही दिशा में जा रहा था ये, और ये विपरीत दिशा में जा रहा था, विपरीत दिशा में से स्पीड जुड़ जाता है, बस इस बात को हमको ध्यान रखना है। बाकी आपको हम ये भी बताए थे कि रेल का खुद का जो डिस्टेंस होता है वो जाए आए कि मतलब विपरीत दिशा में जाए या एक ही दिशा में जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कंडीशन में उसका खुद का जो डिस्टेंस होता है वो जुड़ेगा, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान रखना है हमेशा, रेल को जब भी हम क्वेश्चन कोई बनाएंगे तो, ठीक है। आज इतना
ये तीसरा क्वेश्चन का ये तरह से नेशन निकल गया गया। दो क्वेश्चन और करेंगे जैसे कि हम पांच क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो आज का चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 80 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक जा रहा है तो एक आ रहा है, क्यों पटरी पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। जब समय की जो कह रहा है, उस समय की उसके बीच के जो फासला था वो 90 मीटर का था, तो कह रहा है कि जो कि इसमें स्पीड एक दूसरे के अलग अलग है और 80 मीटर है और 120 मीटर है, क्योंकि चूंकि सॉरी 80 मीटर और एक 55 मीटर है, ठीक है, ये 55 मीटर है। चूंकि समान भी रहता, अगर दोनों का 55-55 भी रहता फिर भी एक दूसरे को पार तो करना ही करना था, ठीक है, चूंकि वो टाइम बदल जाता और स्पीड बदल जाता है। तो इसमें कह रहा है कितने समय बाद ये पार कर जाएगी, हमको इसमें टाइम बताना है, टाइम बताना है। आइए देखते हैं, टाइम बराबर टाइम इजकल टू हमको फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस दोनों का आपको बताया, तो आप लोग को हम बता चुके हैं दोनों का स्पीड ऑलरेडी जुड़ेगा, दोनों का डिस्टेंस ऑलरेडी जुड़ जाएगा दोनों के ट्रेन का। इसका ट्रेन है 120 मीटर और 90 मीटर, 120 और 90 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210। आप देखिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 90 मीटर है, ये 90 मीटर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो स्पीड है, स्पीड में क्या होगा, स्पीड भी जुड़ जाएगा क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में ओवरलैप कर रहा है। तो ये 80 है, ये 55 है, 80 और 55 को जोड़ेंगे तो 80 जोड़ दीजिए इसमें, 80 प्लस 55 कर दीजिए, ठीक है, 80 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 310। ये 310 हो जाएगा बटे 310 नहीं भैया 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 80 55 करेंगे तो 135 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि एक मीटर में एक किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। आपको लोग चेंज करने का पता होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे डायरेक्ट कटने वाला नहीं है। अब देख लीजिए, काट दीजिए इसको 5 से, काट दीजिए 5×36 60 मतलब कट गया, अभी 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काटिए, 5×10 3 बचेगा, 3×5 = 35 हो गया, 5 से कटेंगे 12×5 = 60 हो गया, 9 से काटिए 27, 9×2 = 18, 3 को काटिए 3×4 = 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4×2 हमारा हो जाएगा 8। ये निकल के आ गया सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में, और हमसे पूछा यही गया कि इसका टाइम क्या है, तो इसका फाइनल आंसर निकल गया कि 8 सेकंड में ये पार कर जाएगा। देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, 8 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, अब एक और जरूरी सूचना ये है कि जो भी आप लोग पिछले साल जो 2020 का जो डीएलएड एंट्रांस का जो फॉर्म रहा था, अगर आप लोग कोई भी दोस्त अगर भरे हैं फॉर्म, तो उसका पैसा अभी रिफंड हो रहा है। अगर अभी कोई भी दोस्त अभी इससे बच गए, पैसा रिफंड नहीं ले पाए, तो उसको अभी ऑनलाइन करना पड़ रहा है, जो कि उसका इसमें बहुत ही भिरा काम ये है कि उसका एडमिट कार्ड कुछ लोग डाउनलोड ही नहीं किया था, या कुछ लोग डाउनलोड किया था वो खो गया, तो उसका रोल नंबर देना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ऑनलाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका पैसा जो भी पैसा लगा है ओबीसी एससी जो भी हो, सबका अलग अलग लगा था, सभी का पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जो लोग फॉर्म डाले थे, पैसा जिसका अभी तक रिफंड नहीं हुआ, वो ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये आज का पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, इसमें डिस्टेंस जरूरी है, चूंकि इसमें डिस्टेंस ही नहीं दिया गया है, वही डिस्टेंस ही इसमें पूछ रहा है, फाइनली पूछ रहा है इसका डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ मान लेते एक्स मान लेते, लेकिन दोनों का अगर सेम लंबाई है तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट 2x मान लेते हैं, ठीक है। 2x इसका डिस्टेंस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, 2x डिस्टेंस हो गया। और देखिए इसका स्पीड जो है एक 46 है, एक 56 है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा था, आपको हम वीडियो में बार बार बता चुके हैं कि जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल वो घट जाएगा। एक 56 है, एक 46 है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हम ये 2x जो माने हैं वो मीटर माने हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है,
तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और टोटल जो इसमें डिस्टेंस लगता है ये 36 सेकंड है, ये सॉरी स्पीड है, चाल समय है, ये 36 सेकंड यहाँ पर कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, दो से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए अब शायद नहीं कटने वाला है तो अब नहीं कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 18 × 36 कट जाएगा, ठीक है। ये एक्स बचा हुआ है, 25 हो जाएगा, 25 × 50 तो इसका टू एक्स बराबर हो जाएगा 50 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। चूंकि यहाँ पर 2x माने थे तो अगर 2x करेंगे, 2x बराबर 50 है, x बराबर 50 है तो 2x करेंगे तो मतलब 2 × 50 करेंगे इसका टू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 जो हुआ ये 2x, ये 100 जो निकला है यहाँ पे, ये 100 दोनों रेलगाड़ी का है, क्योंकि ये प्रत्येक रेलगाड़ी का डिस्टेंस हमको बताना पड़ेगा, प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक का लंबाई एक्स इसका हो जाएगा 100/2 करेंगे, इसका टू यहाँ भी 50 ही निकल के आएगा, चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्स बराबर 50 निकल के आ गया था, जिसमें रेल का जो डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया वो 50 डिस्टेंस 50 मीटर है उसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।